नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपना बेहद ही ख्याल रख रहे होंगे। स्पोकन इंग्लिश क्लासेस के इस वीडियो में आपका बड़ा ही स्वागत है। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, और हो सके तो सुपर थैंक्स भी अब आप कह सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम सीखेंगे डू, डज और डिड का यूज आखिर हम कैसे करते हैं और कहां कहां करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जो वर्ब है वो है डू, एक क्रिया है, ठीक है, और जिसकी हिंदी है करना। तो जब हम एक सिंपल सेंटेंस बोलें, यानी कि आई डू, तो इसका मतलब है मैं करता हूं। अब यहां पर सब्जेक्ट है, वर्ब है, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है, क्लियर। तो अब हम एक ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हैं, आई डू माई वर्क। तो यहां पर एक ऑब्जेक्ट दिया गया, इसका अर्थ होगा मैं अपना कार्य करता हूं। तो इस तरह से सबसे पहला और आसान यूज हम कर सकते हैं डू का, कि डू मींस करना, ठीक है। अब डू और डज में क्या डिफरेंस है इसको समझेंगे, देखते हैं। डज का यूज सिमिलर सब्जेक्ट के साथ होता है, ही, शी, इट, या नाउन एक वचन, जैसे राम, श्याम, इट इज। तो इस तरह से डज का यूज करेंगे हम। एक एग्जांपल से और समझें, जैसे कि जगह पर हम ही का यूज करेंगे, तो लिखेंगे ही डज। अब वह करेगा अपना कार्य, यानी कि हिज वर्क, तो के साथ भी डज का यूज होगा। शी डज हर वर्क, इसका तो हमें आइडिया है कि आई के साथ हम माई का यूज करते हैं, मैं के साथ मेरा, ही के साथ हम हिज का यूज करेंगे, और शी के साथ हम हर का यूज करेंगे। ऐसे ही अगर हम दे का यूज करेंगे, तो अब हमें चाहिए वर्ब डू, क्योंकि हम यहां नोट कर सकते हैं डू का यूज जब हम करते हैं तो आई, वी, यू, दे, या फिर प्लुरल नाउन जैसे बॉयज, गर्ल्स, इटी। अब हम जब दे का यूज करेंगे या हम उनके बारे में बात कर रहे हैं, तो हम कहेंगे दे डू, दे करते हैं दियर वर्क, अपना काम। तो इस तरह हम समझ गए होंगे कि डू और डज में क्या डिफरेंस है, ठीक है। हमने सीखा डू और डज का यूज वर्क के तौर पे, लेकिन इनका यूज हम सीखेंगे हेल्पिंग वर्क के तौर पे। कब डू नॉट का यूज करना है और कब डज नॉट का। वर्तमान काल में तो हम डू नॉट और डज नॉट का यूज करेंगे, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस, बिकॉज नॉट है ना। आइए देखते हैं कैसे। मैंने लिख दिया है डू नॉट और डज नॉट का यूज। डज नॉट का यूज होता है ही, शी, इट, नाउन एक वचन, वह या यह, या फिर जैसे एक वचन राम है, लड़का है, लड़की है, सिंगुलर नाउन, यानी कि एक व्यक्ति के बारे में जब यूज करेंगे, नेगेटिव में, प्रेजेंट इंडिफिनिट यानी कि ताती ते में, तो डज नॉट का यूज करेंगे। लेकिन जब डू नॉट का यूज की जरूरत पड़ेगी तो हमें सब्जेक्ट चाहिए आई, वी, यू, दे, या फिर प्लुरल नंबर जैसे बॉयज, गर्ल्स, स्टूडेंट, एटसेट्रा, ठीक है। दो एग्जाम्पल ऑलरेडी लिख दिए हैं, राम डज नॉट गो, जब हम एक के बारे में बात करते हैं राम नहीं जाता है तो राम डज नॉट गो, लेकिन जब हम कहेंगे लड़के नहीं जाते हैं यानी कि बहुवचन है, तो हम यूज करेंगे बॉयज डू नॉट गो। इस तरह हम डू नॉट और डज नॉट का यूज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम सीखेंगे डिड के यूज के बारे में। जिस तरह डू मींस है करना, डज का मींस हो गया करता, ऐसी डिड का मीनिंग है किया, यानी कि डू जो वर्ब है उसकी सेकेंड फॉर्म या पास्ट फॉर्म
या वो फॉर्म जो भूतकाल में यूज की जाती है वो है डिड। तो मैंने एग्जांपल ऑलरेडी लिख दी है, आई डिड इट, मैंने ये किया, यू डिड इट, तुमने ये किया। इंटरेस्टिंग बात ये है फ्रेंड्स कि जिस तरह डज और डू को हम अलग अलग यूज कर रहे थे एक वचन और बहुवचन में, डिड का यूज हम एक वचन में भी करेंगे और बहुवचन में भी करेंगे। जिस तरह मैंने लिखा है आई डिड इट, यू डिड इट, ऐसे हो जाता यहां पर शी डिड, उसने ये किया। तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, डिड का यूज पास्ट टेंस में किसी भी सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं। अब इससे भी इंटरेस्टिंग है, यही डू डज डिड का यूज हम सेंटेंस को इंटरोगेटिव में यूज करने के लिए करते हैं। जैसे डू यू लाइक मैंगोज, क्या आप आम पसंद करते हैं, या डज शी लाइक कॉफी, क्या वह कॉफी पसंद करती है, या डिड यू ड्रिंक वाटर। अब यही पास्ट टेंस में पहुंच गए तो हम कहेंगे क्या तुमने पानी पिया। सो फ्रेंड्स इस बात का अच्छे से ध्यान रखें कि हम डू डज और डिड का यूज कैसे करें। डू डज का यूज प्रेजेंट टेंस में होगा और डिड का यूज पास्ट टेंस में होगा। डू एक वर्ब भी है और डू एक हेल्पिंग वर्ब भी है जिसका यूज डज और डिड की तरह भी हो सकता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपना मोस्ट फेवरेट एजुकेशनल चैनल संजीव गोस्वामी बाय लॉट्स ऑफ।